माय चैनल। आज मैं क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशीट टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ऑल द वर्ड्स बिलो हैव वोवल्स इन देम, राइट द वोवल्स इन द सर्किल्स। मैंने वर्ड लिखे हैं और इधर सर्किल बनाए हैं। जो वोवल्स हैं इस वर्ड्स में से हमें ढूंढना है कि जो वोवल्स हैं हमें इसमें लिखने हैं। तो बच्चों को इस तरीके से वर्ड्स दें और वोवल्स छांटकर लिखने के लिए सर्किल में दें। तो इसमें वोवल्स कौन सा है? यू, ई, ए, जेब्रा, ई, ए, लॉइन, आई, ओ, फादर, ए, ई, माउंटेन, ओ, यू, ए, आई। इस तरीके से वोवल्स सर्कल में लिखने के लिए दें बच्चों को, जिससे बच्चों को वोवल्स की पहचान होगी और लिखना भी आएगा कि वर्ड्स कौन सा वोवल्स में है। ऑल द वर्ड्स बिलो हैव कॉन्सोनेंट्स इन देम, दे राइट द कॉन्सोनेंट्स इन द सर्किल्स। इसमें हमें कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स लिखने हैं। टाइगर, टी, जी, आर, रेड, आर, डी, एरोप्लेन, आर, पी, एल, एन, टेबल, टी, एल, बी। इस तरीके से बच्चों को कॉन्सोनेंट की पहचान करवाएं, जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट का है वो सर्किल में लिखवाएं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन, ये फिलअप्स है। इसमें ए और एन लिखना है। जो वोवल्स हैं उसमें एन लिखना है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें ए लिखना है। तो बच्चों की इसकी भी पहचान हो जाएगी। तो सन है, ये सन, तो सन हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसमें ए लगाएंगे। एप्पल वोवल्स है तो ए एन। एग वोवल्स, इसमें हम ए एन लगाएंगे। फ्लोवर कॉन्सोनेंट है, इसमें ए लगाएंगे। अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, इसमें अरेंज करने हैं हमें वर्ड्स। एन यू एस क्या बन गया हमारा? एस यू एन, सन। एन ए एफ, एफ ए एन, फैन। टी ई आई के, काइट, ये मीनिंग बना हमारा काइट, तो हम यहाँ पे काइट लिखेंगे। एन ओ आई एल, ये बना है हमारा लॉयन। तो इस तरीके से अरेंज करने के लिए लेटर्स दें। राइट द राइमिंग वर्ड्स, इसमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जो एक जैसे होते हैं। जैसे मैन है तो यहाँ पे फैन, वैन भी लिख सकते हैं। अदरवाइज कोई भी हम ए एन का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं कोई भी वर्ड में, जैसे कैन, वैन, इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स। फिन, पिन, कोट, पॉट, जग, मग, जिसमें एक साउंड आता है एक तरीके का, वही हमें, वो हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। राइट डाउन द प्यूलर्स ऑफ द फॉलोइंग नाउंस, इसमें प्यूलर लिखने हैं हमें। हाउस, हाउसेस, टेल, टेल्स, ऑरेंज, 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 ब्रश, ब्रशेस, फाइंड आउट द
डूइंग वर्ड इन ईच सेंटेंस एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस. जो भी इसमें हमारे डूइंग वर्ड है हम उसमें इसमें सेंटेंस में से देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे. राम एंड श्याम प्ले विद अ बॉल. तो राम और श्याम क्या कर रहे हैं इसमें? प्ले. तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्ले. मीरा सिंग्स वेल. मीरा क्या कर रही है? सिंग्स. मदर कुक्स फूड फॉर अस. कुक्स. इस तरीके से बच्चों को डूइंग वर्ड्स की पहचान करवाएं और लिखवाएं. फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दैट. लुक एट द पिक्चर्स. बच्चों से दिस और दैट के सेंटेंस पूरे कंप्लीट करवाए फिलअप्स में बनाकर. और मैंने ये पिक्चर्स बनाई हैं, इनको देख के बच्चों से इनको कंप्लीट करवाए. जैसे ही डैश इज अ ट्री. ट्री पास में है तो हम इसमें क्या लिखेंगे? दिस. स्टार है, दूर है, नियर, फार, दूर है ये, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? दैट. तो बच्चों को इस तरीके से बताएं कि जिस जो पास में चीज है हमारे नियर पास में है तो उसमें हम दिस लिखेंगे, जो फार है दूर है तो उसमें हम दैट लिखेंगे. तो इस तरीके से सेंटेंस सभी करवाए बच्चों को. सन दूर है ये, दैट. हट पास में है, दिस. फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज और दोज. लुकिंग एट द पिक्चर. ये भी इसी तरीके से है, इसमें दीज और दोज लिखना है. तो दीज में क्या होता है? जो पास में होती है चीज उसमें दीज लिखना है, जो दूर है उसमें हमें दोज लिखना है. तो इसमें फ्लोवर पास में है तो हम क्या लिखेंगे? दीज. ट्री दूर है तो हम इसमें दोज लिखेंगे. इस तरीके से बच्चों को दोज दीज की पहचान करवाएं, दिस और दैट की पहचान करवाएं. इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस बच्चों को दें. फिल इन द ब्लैंक्स विद इज आर. इसमें इज और आर लिखना है हमें. बच्चों को बताएं कि इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है. तो इज एक के लिए लगेगा और आर हम बहुत सारे जनों के लिए लगाएंगे, दो हो, तीन हो, चार हो, इस तरीके से. तो माई मदर डैश इन द किचन. इसमें मदर की बात हो रही है तो इसमें हम लगाएंगे इज, कि मदर एक है. द स्टूडेंट्स डैश नॉट एट स्कूल टूडे. इसमें स्टूडेंट्स दिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए तो इसमें हम आर लगाएंगे. इट डैश मंडे टूडे. मंडे एक होता है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें मंडे एक की बात हो रही है तो हम इसमें इज लगाएंगे. वी डैश हर फॉर अ पार्टी. तो इसमें बहुत सारे जनों की बात हो रही है, वी की बात हो रही है तो हम इसमें आर लगाएंगे. दे के साथ आर लगाएंगे. दे डैश इन द कार. वे यानी कि बहुत सारे कार में हैं तो हम इसमें भी आर लगाएंगे. इस तरीके से इज और आर की प्रैक्टिस कराएं बच्चों को सेंटेंस देकर कि कहां इज लगना है और कहां आर लगना है. राइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली. सेंटेंस लिखे है मैंने, इसमें करेक्ट वर्ड लिखना है जहां पे मिसिंग है, जो गलत है वर्ड्स. जैसे देयर इज 12 मंथ्स इन अ ईयर. देयर के साथ इज नहीं आता है. देयर के साथ हम क्या लगाएंगे? आर. तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. शी एम अ गुड डांसर. तो शी के साथ एम नहीं आता है, शी के साथ इज आता है, एम आई के साथ आता है. तो हम क्या लगाएंगे इसमें? सेंटेंस क्या बना हमारा? शी इज अ गुड डांसर.
इस तरीके से बच्चों को राइट सेंटेंस बनाने के लिए दें, करेक्टली करने के लिए दें। इससे छोटे छोटे सेंटेंस आप दोगे तो बच्चों को आसानी से करना आएगा और बच्चों को सेंटेंस भी बनाने आएंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।